वॉट इज कोवेलेंट बॉन्ड सो सी ही दैमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई म्यूचुल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके सो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल मतलब क्या होता है इक्वली ओके जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो कैसी होगी वो इक्वल होगी ओके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड ओके okay, सो so यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मोलिक्यूल ओके तो यहाँ पर दो आइटम है क्लोरीन के क्लोरीन का एटोमिक नंबर क्या होता है सेवनटीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल बी टू एट सेवन ओके तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सेवन ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होते हैं और कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है ओके okay? तो यहाँ पर क्लोरीन के दो आइटम हैं सो so यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम दो क्लोरीन के आइटम को ड्रॉ करेंगे ओके okay, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सेवन तो यहाँ पर हम सेवन इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है देन दूसरे क्लोरीन के आइटम देखिए यहाँ पर भी सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी हम सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके दोनों क्लोरीन के एटम के पास सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन है ठीक है दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है ठीक है मतलब दोनों क्लोरीन के एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा ये क्लोरीन का आइटम ouais क्या करेगा इस क्लोरीन के आइटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ठीक है इस तरीके से तो इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ओके सेम वे ये क्लोरीन क्या करेगा इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ठीक है तो इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ओके तो मतलब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ओके इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया ओके सो ये जो बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ओके okay, ये बॉन्ड होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड ओके okay, यहाँ पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए यहाँ पर एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ठीक है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ओके तो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ओके देन नेक्स्ट जब टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दो आइटम के बीच में सो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं डबल कोवेलिन बॉन्ड ओके सो डबल कोवलिन बॉन्ड का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं डेट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस ओके तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो आइटम के बीच में यहाँ पर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ठीक है तो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से डबल बॉन्ड से ओके सो इसे हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड ओके देन नेक्स्ट जब थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ओके तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस ओके सो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच में यहाँ पर देखिए थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं त्रिपल बॉन्ड्स इस तरीके से ओके सो ये है आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ओके